हाय फ्रेंड्स, तो गर्ल लॉजी गपशप में आज आप सभी का स्वागत है एक बार फिर। आज मैं आप सब लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक, और जिसे लोगों ने बहुत ज़्यादा फोबिया बना दिया है कि लाइक कैसे होगा, कैसे करेंगे और कैसे करते हैं लोग। तो हाउ टू गेट रिड ऑफ डबल चिन। गाइज, मैं कुछ टाइम पहले इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रही थी। नाउ आप जैसे देख सकते हैं कि मेरी काफ़ी हद तक ये है कम हो चुकी है, मतलब ऑलमोस्ट कम हो चुकी है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। तो मैंने क्या किया, एवरीवन इन माय फ्रेंड सर्कल इज़ आस्किंग कि मेरी कैसे रिड्यूस हुई, हाउ आई लूज दिस डबल चिन। सो फ्रेंड्स, मैं भी आपको अपनी एक सीक्रेट ट्रिक बताने जा रही हूँ। मैं आपको कोई एक्सरसाइजेस नहीं बताऊंगी, कोई बहुत सारे तरीके नहीं बताऊंगी, कोई। अच्छा, हम पहले बात कर लेते हैं कि ये डबल चिन होती क्यों है। एक्चुअली होता ये है कि सबसे बड़ा रीज़न तो होता है कि वेट। लाइक जैसे जैसे हमारा वेट बढ़ता है, हम लोग क्या करते हैं, वेट पुट ऑन कर लेते हैं, और सबसे पहले वेट हमारे फेस पर आता है। लाइक जैसे आप देख सकते हैं कि मैं भी चबी चिक्स हूँ, बट मुझे अपने आप के ऊपर ऐसा ही अच्छा लगता है। मैं बहुत ज़्यादा पतली हो जाती हूँ तो मैं अच्छी नहीं लगती हूँ, मेरे फेस से ग्लो चला जाता है, तो मैं ऐसे ही अच्छी लगती हूँ। सेकेंडली, जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो एजिंग। लाइक जैसे कि हमारा एजिंग होती है तो लाइक फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है ना, कि हर चीज़ नीचे आती है, तो सेम एजिंग फैक्टर की वजह से हमारी पूरी स्किन जो होती है वो नीचे आने लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे फैट स्टोर होने लगता है और जिसकी वजह से डबल चिन दिखने लगती है। सो ये दो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, एजिंग फैक्टर एंड वेट। सो कोशिश कीजिए कि हम अपना वेट बढ़ने ही ना दें, और जैसे ही हमारी थोड़ी सी भी डबल चिन आती है तो हम उसके लिए कुछ ना कुछ एक्सरसाइज ज़रूर स्टार्ट कर दें, सो देट कि वो वहीं की वहीं रिमूव हो जाए। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे जो कि बहुत सारी एक्सरसाइजेस करते हैं और वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी नहीं होती हैं। मैं आपको सिर्फ एक ही एक्सरसाइज बताऊंगी फ्रेंड्स, एंड बिलीव मी, उस एक एक्सरसाइज से आपको इतनी जल्दी इफ़ेक्ट दिखने लगेगा, एंड यू वोंट बिलीव। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को बताइएगा कि क्या उस एक एक्सरसाइज से आपकी डबल चिन रिमूव हुई या नहीं। सो आवर एक्सरसाइज नंबर वन एंड द ओनली एक्सरसाइज, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स देखिए, हमें करना क्या है, हम जैसे ऊपर देखते हैं, लाइक दिस, हम जब योगा करते हैं तो हम इस तरह से करते हैं, बट फ्रेंड्स इसमें हमें क्या करना है, हमने ऊपर फेस किया और इस चीज़ को जो हमारी नेक लाइन है, जॉ से नेक, इसको स्ट्रेच करना है लाइक दिस, एंड ओपन योर आईज। हमें आईज क्लोज नहीं करनी है, हमें आईज ओपन रखनी है, एंड स्ट्रेच दिस सेक्शन एज मच एज यू कैन, एंड लाइक दिस। अब ये देख सकते हैं, सो स्ट्रेच बैकवर्ड एज मच एज यू कैन, स्ट्रेच दीज थिंग एज मच एज यू कैन, ओपन योर आईज एंड ओपन एंड क्लोज योर जॉज लाइक दिस। And don't close your teeth like this. So, है ना ये बहुत सिंपल सी एक ही एक्सरसाइज। हम इसको तीनों डायरेक्शंस में कर लेंगे, लाइक फ्रॉम फ्रंट एंड साइड। जब आप साइड में करते हैं तो आपका इस पोर्शन पे स्ट्रेच होता है, तो ये वाला पोर्शन, और जब हम फ्रंट में करते हैं तो हमारे इस पोर्शन पे स्ट्रेच होता है, एंड जब हम दूसरी साइड करते हैं
तो हमारे राइट पोर्शन पे स्ट्रेच होता है. सो हमारी फुल जो जॉ लाइन है वो पूरी स्ट्रेच हो जाती है. एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, आप ये एक्सरसाइज, मैं 7 days भी नहीं कहूँगी, अगर आप इस एक्सरसाइज को 5 days भी करते हैं, 5 days और 15-15 या 30 के सेट्स लगाते हैं, 30-30 के 3 sets लगाते हैं, लाइक 30-30-30 1 set, 30-30-30 2 set, एंड देन 30-30 and 30 3 sets. अगर हम 30-30 के 3 sets लगा लेंगे गाइज, बिलीव मी 5 days में आपकी डबल चिन रिमूव हो जाए. और अगर रिमूव नहीं होगी तो फ्रेंड्स ये इफेक्ट आपको दिखाने लगेगी. अगर आपकी बहुत ज़्यादा डबल चिन है तो ऑब्वियसली कि ये 5 days में रिमूव तो नहीं होगी पूरी तरह से, बट ये आपको इफेक्ट ज़रूर दिखाने लगेगी. सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये ट्रिक, सिंगल ट्रिक पसंद आई टू गेट रिड ऑफ योर डबल चिन, तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू फॉर वॉचिंग.